दोस्तों, भोजपुरी फिल्म राम लखन, इस फिल्म को तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे जुबली स्टार निरहुआ, आम्रपाली दुबे, सुभी शर्मा, परवेश लाल यादव, संजय पांडे, मनोज सिंह टाइगर और किरण यादव जैसे दिग्गज कलाकार। इस फिल्म को सतीश जैन ने डायरेक्ट किया था, जो कि इससे पहले जुबली स्टार निरहुआ के साथ 2014 में निरहुआ हिंदुस्तानी, 2015 में निरहुआ रिक्शा वाला तू और 2016 में आशिक आवारा जैसी सुपरहिट फिल्म डायरेक्ट कर चुके थे। और राम लखन डायरेक्टर सतीश जैन की जुबली स्टार निरहुआ के साथ चौथी फिल्म थी। ये फिल्म निरहुआ इंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी थी, जिसे परवेश लाल यादव ने प्रोड्यूस किया था। ये काफी शानदार फिल्म थी। इस फिल्म के गाने सुपरहिट रहे थे और ये फिल्म रिलीज हुई थी 2016 के अगस्त के महीने में और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट रही थी। इस फिल्म को बनाने का मकसद समाज में एक खास मैसेज देना भी था और वो ये था कि शराब और जुआ मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और शराब और जुआ के कारण दो जान से प्यार करने वाले भाइयों में भी दरार पैदा हो जाती है। फिल्म काफी शानदार और पारिवारिक थी, इसे दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया था। आगे चलकर इस फिल्म को निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड पर यूट्यूब में रिलीज किया गया था, जिसे अब तक 10 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया है। लेकिन क्या आपको पता है, इस फिल्म का नाम पहले राम लखन नहीं होने वाला था। जी हाँ दोस्तों, जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा था, उस समय इस फिल्म का नाम बंटवारा रखने का प्लान बनाया गया था। लेकिन इस फिल्म में भोजपुरी के दो रियल भाई दिनेश लाल और परवेश लाल नजर आने वाले थे और दोनों ही भाई वाले रोल में नजर आने वाले थे, इसलिए इस फिल्म का नाम राम लखन रखा गया था। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए लाइक, शेयर और